इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पिन कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन अगर आपने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक नया एटीएम अगर आपने बनवाए हैं, तो फाइनली आप अपने एटीएम का एटीएम पिन कैसे जनरेट करेंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में दोस्तों वहाँ पर आपको जाना होगा। एटीएम में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना, बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको वहाँ ले जाना। ले जाने के बाद दोस्तों फाइनली आपको एटीएम में एटीएम कार्ड को कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पर डालना है। डालने के बाद देखिए तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले पर यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि उसी के नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा कि सेट एटीएम पिन ग्रीन पिन का, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना। उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने में दो ऑप्शन मिलेगा, पहला ओटीपी जनरेट का, दूसरा ऑप्शन में दिखेगा कि ओटीपी वैलिडेट का। तो यहाँ पर आपको ओटीपी जनरेट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो आपके सामने में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, पहला यस का, दूसरा ऑप्शन में मिलेगा कि नो का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आपके बैंक के साथ दोस्तों जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर पर फाइनली एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने में एक यहाँ पर पर्ची भी निकलेगा कि आपका जो ओटीपी है वो फाइनली यहाँ पर जनरेट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओटीपी पर्ची निकलने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एटीएम कार्ड मशीन में से एटीएम कार्ड को आपको निकालना। निकालने के बाद कुछ देर के बाद आपको फिर से एटीएम मशीन में आपको अपना एटीएम कार्ड को डालना होगा। एटीएम कार्ड जैसे आप इसमें डालिएगा तो यहाँ पर डिस्प्ले पर देखिएगा तो आपके सामने में कुछ तरह इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से करना क्या है कि उसी के नीचे ऑप्शन मिलेगा कि सेट एटीएम पिन ग्रीन पिन का, तो उस पर आपको सिंपली करना क्या है कि क्लिक करना। उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में फिर से दो ऑप्शन मिलेगा, पहला ओटीपी जनरेट का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि ओटीपी वैलिडेट का। तो ओटीपी वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे आप दोस्तों यहाँ पर ओटीपी वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ इंटर वेयर ओटीपी फॉर वैलिडेशन का। तो दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी गया होगा वही ओटीपी को आपको करना क्या है कि इसमें आपको एंटर करना है। चलिए हम अपना ओटीपी यहाँ पर हम एंटर करते हैं। एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ऊपर में एक ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों यहाँ पर फाइनली प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ कुछ है कि प्लीज़ इंटर वेयर न्यू पिन। तो दोस्तों, आप जो भी पिन क्रिएट करना चाहते हैं वो पिन आपको सिंपली यहाँ पर आपको इसमें एंटर करना है। जैसे आप इसमें दोस्तों आप अपना पिन आप इसमें एंटर कीजिएगा मनपसंद का। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर फिर से प्लीज़ री इंटर वेयर पिन। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है कि फिर से आपको अपना फिर से वही पिन है कि दो बार इसमें आपको डालना है। जैसे आप दोस्तों इसमें आप अपना पिन इसमें आप एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ देर के बाद आपका जो एटीएम पिन है दोस्तों वो फाइनली यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर दोस्तों फाइनली सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एटीएम पिन है दोस्तों वहाँ पर फाइनली बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप कैसे पता करेंगे कि हमारा जो पिन बना है कि नहीं, तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आप एटीएम मशीन में से दोस्तों आपको फाइनली एटीएम निकालना है। एटीएम निकालने के बाद दोस्तों आपको फिर से एटीएम कार्ड को एटीएम में डालना है। डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर यहाँ पर पूछेगा कि प्लीज़ वेट। तो यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि नीचे में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में बहुत ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि बैलेंस इंक्वायरी का एक ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको करना क्या है कि बैलेंस इंक्वायरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में दो ऑप्शन मिलेगा, पहला करेंट और दूसरा सेविंग का। तो सिंपली आपको सेविंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर पिन प्रेस हेयर का, तो इसमें आपको अपना जो भी पिन बनाए होंगे वो पिन आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो आपके आपके बैंक में जितना भी बैलेंस होगा दोस्तों यहाँ पर फाइनली बता देगा।